ट्वेल्थ कंसल्टेंट एक बहुत अच्छी ऑफर दे रहा है, वो ये है कि हमारे पास जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स में से वालिद साहब अलाइव नहीं हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में, या वो स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो हैं वो 80% से ऊपर होते हैं, उनके लिए जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ी है विच इज़ अराउंड 50,000 वो हमने वेव ऑफ कर दी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं 12 कंसल्टेंट के हेड ऑफिस इस्लामाबाद। 12 कंसल्टेंट के MD माजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इस फर्म के बारे में मैं आपको ख़ास बात बताता चलूं कि इसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। इसके पीछे क्या राज है, क्या ख़ास बात है, ये माजिद अली से जानेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्पेशल ये ऑफ़र्स भी कर रहे हैं, वो भी इनसे जानेंगे कि वो कौन सी ऑफ़र्स हैं जो ये स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माजिद साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या आपके पास ऐसा ख़ास राज है और राज की बात है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता? राज तो नहीं है, सबको पता है हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट नहीं होता। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं ख़ास तौर पे, अगर आप उनसे पूछें वो आपको बताएंगे कि हम उनके केसेस को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ शायद जो है वो प्रोफेशनलिज्म है। इस सारे प्रोसेस को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और शायद काफ़ी हमारी की स्ट्रेंथ आप इसे समझ लें, वो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि यू नो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी दोनों तरफ होते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जिन यूनिवर्सिटीज़ को हम डील करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर में हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, फिज़िकल ऑफिसेज, नॉट जस्ट वर्चुअल या कम्युनिकेशन ऑनलाइन की हद तक नहीं, फिज़िकल ऑफिसेज मौजूद हैं। वहाँ पे हमारा यू नो कोई ना कोई एडमिशन ऑफिसर बैठा होता है और एक्सपर्ट बैठा होता है जो कि हैंडल करता है सारी हमारी क्वेरीज़ को। दूसरी चीज़ जो एम्बेसी वाली साइड पे है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं बल्कि बिल्कुल नहीं है, वो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी होती है जब हमारा वो केस कोई भी चल रहा होता है और वीज़ा अप्लाई हो चुका होता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो एम्बेसी को नोटिफाई कर देती है कि ये एक स्टूडेंट है जिसने पाकिस्तान से या जिस भी मुल्क से अप्लाई किया, तो वो एक ऑथेंटिकेट हो जाता है एक तरह से, एम्बेसी उसको रिकग्नाइज कर लेती है कि ये एक जेन्युइन केस है। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने के बावजूद आप 2 से 3 मुल्कों को जो है वो उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, वो कौन से मुल्क हैं और क्या वजह है कि सिर्फ 2 से 3 मुल्कों में आपने जो है वो ख़ास तौर पर नज़र रखी? जी 2 से 3 मुल्कों को सिर्फ डील करने की वजह यह है कि हम लोग फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी के ऊपर। करने को तो हम बहुत से ममालिक को कर सकते हैं और उन सारे मुल्कों को कर सकते हैं जिसमें जिसको हर कोई डील कर रहा है, लेकिन हमारा फोकस क्वालिटी है और हम इंश्योर करते हैं कि जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करें। उसकी एक वजह मैंने आपको बता दी थी कि हमारा वीज़ा सक्सेस रेट है, वो हमारा मुँह बोलता सबूत है। उसकी एक और वजह यह है कि जो स्टूडेंट यहाँ से जाता है उसको सिर्फ यहाँ से डिपार्ट कर देना या उसका वीज़ा लगवा देना या उसका एडमिशन करवा देना ये ही सिर्फ काम नहीं होना चाहिए कंसल्टेंट्स का। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे ही करते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट को वीज़ा के लिए अपने पास इनवाइट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ उनको ये सर्विसेज नहीं देते, हम उनको पोस्ट वीज़ा सर्विसेज भी देते हैं। हमारा हर यूनिवर्सिटी में ऑफिस है इन सारे मुल्कों में, हर यूनिवर्सिटी में हमारा फिज़िकल ऑफिस में है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। उस ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव उनको एयरपोर्ट से रिसीव करता है, उनको यूनिवर्सिटी तक ले जाता है और वहाँ पे उनका जो एडमिशन ऑफिस है वहाँ पे जाके उसकी सारी हेल्प करता है, फॉर्म फिल करने में, रजिस्टर होने में, जितने भी प्रोसेस हैं सारों को मैं बाई नेम बताना ज़रूरी नहीं समझता। दूसरी बुनियादी वजह यूक्रेन और रशिया, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग की यूनिवर्सिटीज़ और चाइना भी अगेन, उसकी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैवल की, उसकी वजह से ज़रा फोकस वहाँ पे थोड़ा सा कम है बट वी डील इन दैट। इन कंट्रीज़ के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे जो मेडिसिन की फील्ड है, ये दे आर ऑल नोन फॉर देयर मेडिकल स्टडीज़, बहुत अच्छी है और पाकिस्तान से भी आधी कॉस्ट में ये डिग्रीज हो जाती हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो अगेन यूरोपियन है, हर चीज़ एक महंगी और बहुत फेमस डिग्री के इक्विवेलेंट है और है उससे आधे पैसों में, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए जाहिर है क्वालिटी
भी मैटर करती है लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है। सो ये एक बुनियादी वजह है। जब बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जिन्होंने ख्वाब सजाए होते हैं और वो ख्वाब सजाए यानी बैरून मुल्क जाने के, ख़ास तौर पे वहाँ पढ़ने के, तो वो जब किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं या तो लुट जाते हैं या यहाँ से उनको बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उनको वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनसे ज़रा उन कंसल्टेंट से आप मुनफरिद हैं? बहुत सारे कंट्रीज़ को जो लोग डील कर रहे होते हैं उनमें से ज़्यादातर को, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और अच्छी बात मतलब नहीं है कहने को भी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, ना उन्होंने कभी उस मुल्क को विज़िट किया होता है, ना उसके बारे में उन्हें कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है, और इसी तरह से उसकी लिविंग के बारे में उन्हें नहीं पता होता, उनके यू नो यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं होता, और जैसे मैंने पहले कहा प्रोसेसेस के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं होता। तो अगर प्रोसेसेस के बारे में नहीं पता होगा तो स्टूडेंट इन केस ऑफ रिजेक्शन मतलब ख्वार हो जाएगा, और अगर उसकी लिविंग के बारे में नहीं पता होगा और यहाँ वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं पता होगा तो भी स्टूडेंट वहाँ जाके ख्वार हो जाएगा। इसलिए हम जिन मुल्कों में करते हैं हमें उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। यहाँ से जाने से पहले स्टूडेंट्स को हम अच्छी तरह से गाइड भी कर देते हैं, वहाँ के तर्ज ज़िंदगी के बारे में भी बता देते हैं, सारे लाइफ स्टाइल के बारे में बता देते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्टूडेंट के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, और आप इसको सिर्फ कारोबार के तौर पे ये काम ना करें, मतलब किसी की वेलफेयर का भी सोचें। तो अगर किसी की वेलफेयर का सोचेंगे तो आप वही काम करेंगे जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मगर स्टैंडर्ड हर किसी का बहुत अच्छा है। इस चीज़ को भी हम इंश्योर करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को हम ऐसी यूनिवर्सिटी में ना दाखिल करवा दें जिसकी कोई अपनी खास रिकग्निशन ना हो। जहाँ तक आपने फ़ी का स्ट्रक्चर पूछा तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो तालीम की गर्ज से नहीं बल्कि बैरून मुल्क जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कोई ऑप्शन वगैरह मौजूद हैं? स्टडीज़ की अभी तक हमने बात की, उसमें हमारा फोकस मेडिसिन था, लेकिन उसके अलावा जो मेडिसिन के अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, स्टडी प्रोग्राम्स, बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, ये सारी डिग्रीज़ क्वाइट अफोर्डेबल वहाँ पे और क्वालिटी की मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शंस हैं मुल्क से जो बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, सेटलमेंट के लिए, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हर तरह की मौजूद हैं और लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाने का, ख़ास तौर पे यूरोप जाने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत हाथों में भी आ जाते हैं और प्लस उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता सही तरीके का, तो वो मुख्तलिफ गैर कानूनी ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। आपको भी पता है, हमको भी पता, सबको ज़ाहिर है। तो उससे बेहतर ये है कि वो एक लीगल तरीका इख्तियार करें, और डेफिनेटली वो सारी ऑप्शंस भी हैं वर्क और सेटलमेंट्स रिलेटेड। तो हमारे मुल्क में भर में जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे करीबी ऑफिस जो भी है उसमें आप वो जो भी कैंडिडेट है वो जाए तो उसको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको गाइड कर दिया जाएगा कि आपके लिए लीगल तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है। माजी साहब, ऑफ दी कैमरा एक स्टूडेंट आपके पास आए थे, उनके पास मैंने देखा वीज़ा भी मौजूद था और वो आपको पेमेंट कर रहे थे, तो वीज़ा लगने के बाद आप पेमेंट लेते हैं, ये क्या कोई तरीकाकार तमाम स्टूडेंट्स के लिए? ये जो आपने केस देखा था ये तो तकरीबन हर केस में ऐसे होता है, मतलब हम लोग वैसे भी वीज़ा लगने के बाद ही चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स से, और हमारा यू नो हमारा वन ऑफ आर यू नो की स्ट्रेंथ ही ये है, और लोग हमारे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपने बिजनेस से भी ज़्यादा। तो ये तो सबके साथ ही करते हैं, मतलब वीज़ा की फ़ीस और जो जितने चार्जेस हैं वो वीज़ा के बाद ही लिए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन जो मुख्तलिफ या स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स परेशान हाल होते हैं और हमारे पास आते हैं और पता चलता है कि उनके साथ कोई मिसहैप हो गया था पहले, यू नो किसी ने उनसे पैसे ले लिए और उनका काम भी नहीं हुआ और उनके पैसे भी रिटर्न नहीं हुए, तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। उनके लिए भी हमारे पास है कि वो कंप्लीट जो है वो सारा काम होने के बाद पैसे दे दें। ऐसे केसेस में ज़ाहिर है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो भी बड़े यू नो वन ऑफ आर मोस्ट हैप्पी कस्टमर्स की लिस्ट में आते हैं वो लोग भी। जी नाज़रीन, इस वक्त मोहतरमा सना हमारे साथ मौजूद हैं, 12 कंसल्टेंट के साथ एज एडमिशन एक्सपर्ट ये काम कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में इनके ऑफिस मौजूद हैं और इसके अलावा सालाना कितने स्टूडेंट्स को ये बाहर भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में, इसके अलावा लाहौर, कराची, मुल्तान, गुजरात में हम लोग अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिंध की, केपी की,
सिंध में हमारे पास कराची ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आसपास के हों वहाँ पे जाके अपने इनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पंजाब में लाहौर ऑफिस है, गुजरात भी है हमारे पास, और हेड ऑफिस जैसे मैंने आपको बताया इस्लामाबाद में है। साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपके ऑफिस मौजूद? वहाँ पे हमारा ऑफिस है, मुल्तान का ऑफिस हमारा मौजूद है वहाँ पे, जितने भी वहाँ के स्टूडेंट हैं साउथ पंजाब के वो मुल्तान ऑफिस में जा सकते हैं। सालाना कितने स्टूडेंट्स को आप भेजने पर? हमारे पर ईयर में दो इनटेक होते हैं, सेप्टेम्बर एंड मार्च इनटेक। पर इनटेक हमारे 150 अराउंड स्टूडेंट जाते हैं, तो आप सालाना कह सकते हैं कि 200 से 300 स्टूडेंट हमारे सालाना जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा हेड ऑफिस है जो इस्लामाबाद में, वहाँ पर प्रॉपर हमारा एक कॉल सेंटर है। कोई भी स्टूडेंट अगर साउथ पंजाब से कॉल करता है तो उसको हम मुल्तान ऑफिस से डायरेक्ट कर लेते हैं, लाहौर से कॉल करता है तो लाहौर ऑफिस से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमें विजिट नहीं कर सकता तो वो ये है कि हमें कॉल पे हम डिटेल्स उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रोसेस के लिए उनको ऑफिस विजिट करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। प्रोसेस स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके अलावा उनके लिए हम उनसे कुछ कंसेंट साइन करवाते हैं, उसके बाद हम उनका एडमिशन लेटर अप्लाई कर देते हैं। काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, अब डेफिनेटली मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हमारे YouTube चैनल पे काफ़ी डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, और हमारे वेबसाइट भी है जिसपे फी डिटेल और सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। तो कोई भी अगर इशू तब भी स्टूडेंट को समझ ना आए तो हम उनको कॉल पे काफ़ी ब्रीफ जो है वो समझा देते हैं। यूट्यूब चैनल जो आपका किस नाम से है? हम 12 कंसल्टेंट के नाम से हैं। हमारी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, जिनकी वीडियोज़ में डिटेल एक्सप्लेन है एवरी प्रोसीजर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल सब कुछ वहाँ पे स्टूडेंट की ईज़ के लिए मौजूद है वहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने 12 कंसल्टेंट की मैनेजमेंट की गुफ्तगू सुनी। 12 कंसल्टेंट की मैनेजमेंट जिन मुल्कों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर ख़ुद भी गाये बगाये जो है ये विज़िट करते रहते हैं, और इनकी खासी एक्सपर्टीज़ भी हैं। और आपने जैसे ये भी सुना कि एक ख़ास ऑफ़र जो यतीम बच्चों के लिए है, और जो ज़हीन बच्चे हैं जो 80% से अबव जिनके नंबर हैं उनको एक ऑफ़र भी दे रहे हैं कि अपनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर वेव ऑफ़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आज हमारा यहाँ पे 12 कंसल्टेंट में जो विज़िट हुआ, हमने बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे विज़िट किया, बहुत से बड़े बड़े ऑफिसेज़ में विज़िट किया, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट हमें खासा अच्छा लगा। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।